माँ क्या कह रही थी मैं समझ चुका था। मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया था। माँ बहुत खुश हुई और बोली, देखो भैया के कपड़े की वजह से तुम्हें पहले ही इंटरव्यू में नौकरी मिल गई। भैया अमेरिका जाने वाले हैं, यह जानकर मैं फूले न समाया। भैया से भी ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी, जानते हो क्यों? अब मुझे उनके पुराने कपड़े जूते नहीं पहनने पड़ेंगे। बस यह सोचकर ही मैं बेहद खुश था। आज तक मैं हमेशा उनके पुराने कपड़े जूते, यहाँ तक कि उनकी किताबें भी इस्तेमाल करता आया था। बस एक दिवाली ही थी जब मुझे नए कपड़े मिलते थे। पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके मैं उब गया था। माँ से मैं हमेशा शिकायत करता था, माँ क्या मैं जिंदगी भर पुरानी चीजें इस्तेमाल करूँगा? बेटे वो तुमसे 2 साल ही तो बड़ा है, तुम बेटे भी ना जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो। अभी उसे तो 1 साल में कपड़े छोटे हो जाते हैं, उसे नए सिलवा देती हूँ, लेकिन ये कपड़े मैं अच्छे से धोकर रखती हूँ, देखो ना बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। जूतों का भी ऐसे ही है। अब किताबों का पूछोगे तो हर साल कहाँ सिलेबस बदलता है, उसकी किताबें भी तुम्हारे काम आ जाती है। देखो बेटे बाइंडिंग करके अच्छा कवर लगा कर देती हूँ, तुम्हें क्यों फिजूल खर्च करना है मेरा अच्छा बेटा, तेरे लिए भी नई चीजें लाएंगे। माँ शहद में घुली मीठी जुबान से समझाती थी और मैं चुप हो जाता था। मुझे कभी भी नई चीजें नहीं मिलती थी। स्कूल के पहले दिन दोस्तों की नई किताबें, नए यूनिफॉर्म, उनकी एक अलग गंध, इन सब से मैं प्रभावित होता था। साथ ही बहुत दुख होता था, क्या इस खुशी से मैं हमेशा के लिए वंचित रहूंगा, ऐसा सवाल मन में आता था। पुरानी किताबें इस्तेमाल करके मैं इतना उब गया था कि 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने साइंस में एडमिशन ले लिया। भैया तब 12वीं कॉमर्स में थे। 11वीं कक्षा में मुझे पहली बार नई किताबें मिली। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मुझे चक्कर आने लगे, बदन पर धब्बे आने लगे। कुछ घर के उपाय करने के बाद पिताजी डॉक्टर के पास ले गए। अरे इसे तो केमिकल की एलर्जी है, केमिस्ट्री नहीं होगी इससे। क्या मतलब, अब यह साइंस नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के साथ इस बातचीत के बाद पिताजी सोच में पड़ गए। आर्ट्स का तो कोई स्कोप नहीं है। फिर क्या, मेरा भी एडमिशन कॉमर्स में कराया गया और फिर से उसी स्थिति में आ गया। भैया की वही पुरानी किताबें, गाइड्स। घर में सबसे छोटा करने के लिए मैं मन ही मन मम्मी पापा को कोसता रहा। मैं भैया के बीकॉम के बाद एमबीए किया और मैं सीए पूरा करने में जुट गया। सोचा चलो पुरानी किताबों का झमेला तो खत्म हुआ। एमबीए पूरा होने के बाद भैया कैंपस इंटरव्यू में एक विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में चुने गए। यह कंपनी उन्हें अमेरिका भेज रही थी। भैया भी जोर शोर से तैयारी में जुटे थे, मैं भी मदद कर रहा था। वो अमेरिका चले गए। समय के साथ मेरा भी सीए पूरा हुआ। इंटरव्यू कॉल्स आने लगे, माँ इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ नए कपड़े सिलवाऊँ। माँ ने भैया की अलमारी खोलकर दिखाई, देखो भैया कितने सारे कपड़े छोड़कर गया है, शायद तुम्हारे लिए ही है, नए ही दिख रहे हैं, सूट भी हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी खरीदे हैं, फिर भी तुम्हें लगता हो तो लॉन्ड्री में दे देना। माँ क्या कह रही हैं मैं समझ गया, मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया। माँ खुश हुई और बोली, देखो भैया के कपड़े की वजह से पहले ही इंटरव्यू में नौकरी मिल गई, वो बड़ा खुश होगा। एक तो पुराने कपड़े पहनकर मैं उब गया था और माँ जले पर नमक छिड़क रही थी। क्या मेरी गुणवत्ता का कोई मोल नहीं? माँ का भैया की ओर झुकाव मुझे दिल ही दिल में खाए जा रहा था। पहली सैलरी में कुछ अच्छे कपड़े खरीदकर मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा था। भैया के कपड़े मैंने अलमारी में लॉक कर डाले। मैं अपने लिए नई नई चीजें खरीदने लगा। हम शॉपिंग करने गए, उन्होंने मेरे लिए भी अपने जैसा सूट खरीदा। यह मेरे लिए सरप्राइज था। शादी के दिन पहनने की शेरवानी भी दोनों की एक जैसी थी। भैया अमेरिका में सेटल हो गए। अब उन्हें शादी के लिए अच्छे घर से रिश्ते आ रहे थे। भैया के कहे अनुसार हम लड़की देखने जा रहे थे। आखिरकार हमने भैया के लिए 4 लड़कियां चुनी। 1 महीने बाद भैया इंडिया लौटे, सब लड़कियों से मिले और शर्मिला के साथ रिश्ता पक्का किया। शर्मिला ने बीकॉम किया था, माँ बाप की वो इकलौती लड़की थी। उसके पिता देशमुख का स्पेयर पार्ट्स का कारखाना था। शर्मिला सुंदर व सुशील थी। भैया ने पूछा, क्यों छोटे भाभी पसंद आई तुझे? क्यों नहीं, शर्मिला टैगोर भी मात खाती है, इतनी सुंदर और सलीन है मेरी भाभी, ऐसी भाभी किसको अच्छी नहीं लगेगी, जोड़ी तो खूब जच रही है आपकी। जल्दी ही सगाई हुई और 3 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय हुई।
एक महीने बाद दोनों अमेरिका जाने वाले थे। यह सब भैया ने ही तय किया था। दोनों साथ साथ घूमने लगे थे, सब खुशी से मशगूल थे। दोनों ओर शादी की शॉपिंग चल रही थी। चल छोटे, मेरे साथ शॉपिंग, शादी का सूट लेना है मुझे। मैं? सूट तो आपको लेना है, तो भाभी को लेकर जाओ ना। भाभी? वो शर्मिला? एक क्या पुराने लोगों जैसा भाभी बुलाते हो। शर्मिला बुलाओ, इतना अच्छा नाम है। तो फिर उन्हें बताइए मुझे प्रकाश नाम से बुलाएं। ओप, तुम दोनों भी ना। लेकिन हम दोनों आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। नो मोर डिस्कशन। हम शॉपिंग करने गए, उन्होंने मेरे लिए भी अपने जैसा सूट खरीदा। यह मेरे लिए सरप्राइज था। शादी के दिन पहनने की शेरवानी भी दोनों की एक जैसी थी। भैया, शादी तुम्हारी है, मेरे लिए इन सब की क्या जरूरत थी। अरे, तेरी भी तो शादी जल्दी होगी, उस वक्त जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। लगता है जेब गर्म है आपका। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। शर्मिला के लिए अमेरिकन डायमंड का सेट भी लेकर आया हूँ। मम्मी डैडी को भी शॉपिंग करवाने वाला हूँ। मेरे पुराने कपड़े तुझे पहनने पड़ते थे। चल, आज तुझे खुश कर देता हूँ। हमें कहाँ मालूम था कि यह खुशी दो पल की है। भैया के लिए मेरे मन में कृतज्ञता थी। कितने बड़े दिल के हैं भैया। उन्हें पूरा सहकार्य देने का मैंने मन ही मन प्रण कर लिया था। हम सब खुशी के सातवें आसमान पर थे। तब नियति हम पर हंस रही थी। शादी का नजारा तो पूछो ही मत। शर्मिला 16 सिंगार करके मंडप में आई थी। सबकी नजर उस पर ही टिकी थी। लड़की वालों ने शादी में किसी बात की कमी नहीं की। हम सब खुशी से लहर पर सवार थे। ऐसे में बुआ ने माँ को सलाह दी। भाभी, प्रसाद के लिए शर्मिला तो ले आई, अब प्रकाश के लिए उर्मिला ले आओ। मैंने तय किया अपनी पत्नी का नाम मैं उर्मिला ही रखूंगा, शर्मिला की मैचिंग। शादी की रस्में चल रही थी। बीच बीच में दोनों की कानाफूसी चल रही थी। शर्मिला की मुस्कुराहट देखकर लग रहा था मानो दोनों मेड फॉर इच अदर हैं। शर्मिला के आने से घर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई थी। बहुत ही कम समय में वो सारे घर में घुल मिल गई। शादी के बाद सब रस्में पूरी कर नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए बेंगलोर रवाना हुआ। वो दोनों एक हफ्ते बाद लौटने वाले थे। उसके दो हफ्ते बाद वे अमेरिका जाने वाले थे। भैया ने ही यह सारा प्रोग्राम तय किया था। माँ ने फोन पर भैया से कहा, देखो ना कितनी जल्दी दिल जीत लिया। 8 दिनों के लिए गई तो पूरा घर सुना सुना लग रहा है। हमेशा के लिए जाएगी तो क्या हाल होगा। भैया बोले, मगर माँ घर तो नहीं रख सकते हैं ना। उसके बाद 2 दिनों लगातार फोन पर संपर्क में थे। एक दिन फिर वो काला दिन आया। छुट्टी का दिन था इसीलिए मैं घर पर ही था। दोपहर 3 बजे मेरा मोबाइल बजा। हेलो, मैं शर्मिला। प्रकाश, एक भयंकर घटना घटी है, वो रोते रोते बोल रही थी, घबराई हुई लग रही थी। मैं भी सहम सा गया। शर्मिला शांत हो जाओ, रोना बंद करो, क्या हुआ ठीक से बताओ। भैया कैसे हैं? आप कहाँ से बोल रही हो? प्रसाद नहीं है, वो सिसक कर रोने लगी। तनाव और डर से मैं अपना संयम खो बैठा और जोर से चिल्लाया, नहीं है, मतलब क्या हुआ है, प्लीज जल्दी बताओ, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। अब तक कुछ विचित्र हुआ है, यह माँ बाबूजी के ध्यान में आ गया था। वे भी हक्के बक्के रह गए थे। वो धीरज के साथ बोली, प्रकाश, प्रसाद अमेरिका चले गए हैं। सुबह 10 बजे कोडाइकनाल की टिकटें निकालने के लिए बाहर गए। 2 दिन इधर उधर करके मुंबई वापस आने का प्लान था। कुछ भी क्या बोल रही हो, आपको छोड़कर कैसे गए और आपने जाने कैसे दिया, सब डिटेल में बताओ, कुछ तो सलूशन निकालेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, खुद को संभालो और बताओ क्या हुआ। वो धीरज के साथ बोली, प्रसाद सुबह 10 बजे कोडाइकनाल की टिकटें निकालने के लिए बाहर गए। 2 दिन इधर उधर करके मुंबई से वापस आने का प्लान था। अगर उन्हें आने में देर हुई तो खाना खाने को कह गए थे। मैंने 2 बजे तक उनका इंतजार किया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। खाना खाने को सोच ही रही थी तो रूम बॉय एक लिफाफा लेकर आया। मुझे लगा बिल होगा। खोलकर देखा तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ऐसी चिट्ठी में लिखा था और प्रसाद ने नीचे साइन किया था। मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। बेहोश ही होना बाकी था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। बाद में देखा तो मेरे गहने भी नहीं थे जो रात को मैंने अलमारी में रखे थे। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत असहाय हूँ, क्या करूँ। मैंने अभी तक पिताजी को भी नहीं बताया है। वो फिर से रोने लगी। मैं भी अंदर से पूरा हिल गया। खुद को संभाल कर उसे धीरज देना आवश्यक था। आपने अपने पिताजी को नहीं बताया, यह अच्छा किया।
शर्मिला रो मत, आप अकेली नहीं हो, आपके पिताजी को कैसे बताना है यह मैं देखता हूँ। कुछ कठिन परिस्थिति है लेकिन कोई न कोई हल जरूर निकलेंगे। आप होटल में ही रुको, कुछ खा लो, मैं सबसे बात करके उधर आपको लेने आता हूँ। आज रात नहीं तो सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे, फोन रखता हूँ। माँ बाबूजी को सारी कहानी सुनाई। बाबूजी बहुत शर्मिंदा थे, माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाबूजी, शर्मिला के पिता को कुछ नहीं मालूम है, उन्हें बताना चाहिए। मैं खुद जाकर बताता हूँ, मैं भी आता हूँ। नहीं बाबूजी, माँ अभी आने की स्थिति में नहीं है, उन्हें अकेला भी छोड़ना ठीक नहीं है, मैं अकेले ही हो आता हूँ। कठिन लग रहा है लेकिन यह घड़ी मुझे ही संभालनी होगी। मैं दबे पाँव भाभी के घर गया। आओ बेटा। नहीं, मैं किसी और काम से आपके यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ बहुत कठिन समस्या है। भैया अमेरिका चले गए हैं क्या? लेकिन कल रात ही शर्मिला का फोन आया था, उसने तो कुछ नहीं कहा। वो अचानक कैसे तय किया? नहीं, वो अकेले ही चले गए हैं। और शर्मिला? फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बयान की। वो क्रोध में लाल हो गए, क्रोध से उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें भी मैंने गहनों के बारे में बताया। हरामखोर, मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सामने होता तो गोली से उड़ा देता, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उनको संभालने के लिए शर्मिला की माँ आगे आई। आप शांत हो जाइए, यह लीजिए पानी पीजिए, संकट की घड़ी है, हमें पहले ही शर्मिला को संभालना चाहिए। यह कैसा पहाड़ टूट पड़ा है मेरी बेटी पर। कहाँ है वो? वो बेंगलोर के होटल में है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। नहीं, हम दोनों उसे लेकर आते हैं, शर्मिला से एक बार बात कर लेते हैं। मैंने शर्मिला के मोबाइल पर फोन लगाया। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ आपके घर से, कैसी हो आप? लो बात करो अपने मम्मी पापा से। शर्मिला रो मत, धीरज रख, देख मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि उसे फूट फूट कर रोना पड़ेगा। हम दोनों आ रहे हैं तुझे लेने, आखिरी फ्लाइट से निकलते हैं, तब तक खुद का ध्यान रख। शर्मिला के पिताजी बोले, क्रोध की जगह करुणा ने ले ली है। शर्मिला की आंखों से आंसू छलक रहे थे, शर्मिला की माँ भी व्याकुल थी लेकिन झूठ मूठ का धीरज दे रही थी। मेरी माँ ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया था, उनके आंसू नहीं थम रहे थे। सबको इतने दुख में ढकेलने वाले निर्दयी भैया से मुझे घृणा आने लगी। शर्मिला के घर आने पर हम वहाँ पहुँचे। शर्मिला यह क्या हुआ बेटा? यह बोलकर माँ बेहोश हो गई। बाबूजी शर्मिंदा होकर उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आपके कसूरवार हैं, ऐसा कुल लछड़ी बेटा जना, मुझे शर्म आती है। शर्मिला के पापा अब तक शांत हो गए थे। शर्मिला की माँ और शर्मिला मेरी माँ को समझा रहे थे, हम सबको यह दुख भोगना था शायद, लेकिन आप खुद को कसूरवार न समझें। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और सजा दूंगा। प्रकाश, उसे अमेरिका में संपर्क करने का कोई रास्ता है क्या? हाँ पापा, प्रसाद का ऑफिस का नंबर तो नहीं है, पर जहाँ रहता है वहाँ का नंबर ट्रेस करता हूँ। फोन लगाया तो पता चला भैया 3 महीने पहले ही अपार्टमेंट ले चुके थे। हरामखोर, पहले से ही प्लान कर चुका था, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नया बिजनेस शुरू करने के बहाने मेरे से 5 लाख रुपए भी ले गया था। हाँ, मुझे भी यही कारण बताकर पैसे मांगे। मैंने पीएफ से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। शर्मिला के गहने भी गायब हुए हैं। नीच अमानुष, अब मैं यह हकीकत अखबार में छपवाने वाला हूँ। अमेरिका में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनको भी खबर दूंगा, सब जगह उसकी बदनामी करूंगा। अब बदनामी होगी, इस कारण बाबूजी डर गए। देखिए, हमारे बेटे से अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन जरा धीरे से काम लीजिए, ऐसी घड़ी में सोच विचार कर निर्णय लीजिए। आप देख ही रहे हो हालात कितने नाजुक हैं, और शर्मिला के भविष्य की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। बस 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम देखते हैं कुछ, नहीं तो मन हानि सहने के सिवा और कोई चारा नहीं है। वो 1 हफ्ता रुकने को राजी हो गए, बड़ी कृपा हुई थी हम पर। हफ्ते खुशी की तरंगों पर तैरने वाले हम आज दुख के सागर में डूब चुके थे, केवल भैया की इस घिनौनी हरकत की वजह से। फूल जैसी शर्मिला मुरझाकर सावली पड़ गई थी। हम दोनों सहारा बने, इसीलिए माँ थोड़ी संभल गई, वरना उनके लिए सदमा असहनीय था। कल मुहा बच्ची की जिंदगी का होली कर डाला। सही कहती हो आप, हम उसकी अपराधी हैं, कभी न भरने वाला जख्म है यह। शर्मिला माँ से घुल मिल गई। आश्चर्य यह था कि दोनों संयम से काम ले रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो माँ बाबूजी अभी अभी शर्मिला के घर से लौटे थे। बाबूजी, उन्होंने बुलाया था क्या? नहीं, ऐसे ही मिलकर आए हैं, काफी दिन हो गए थे, मिले नहीं थे। शर्मिला को भी देखने का दिल कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक ही कहना चाहिए,
लेकिन भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। प्रकाश अभी अभी आए हो ना, हाथ पांव धो आओ, मैं चाय बनाती हूँ, कुछ खा भी लो। मुझे माँ का यह बर्ताव अजीब लगा। चाय नाश्ता हो गया, हम तीनों वहीं बैठे बातें कर रहे थे। माँ मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। वो टेंशन में लग रही थी। माँ क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? टेंशन में लग रही हो, बताओ अभी क्यों टेंशन बढ़ा रही हो? प्रकाश देखो, हमें ऐसा लगता है, इसीलिए सुझाव दे रही हूँ, लेकिन सोच कर ही बताना। क्या सोचना है, क्या सुझाव दे रही हो और ऐसे हकला कर क्यों बोल रही हो? आखिरकार बाबूजी ने बड़ी हिम्मत कर बोल ही दिया, प्रकाश हमें लगता है कि तुम शर्मिला को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ऐसा लग रहा था मानो सारे बदन में बिजली दौड़ रही है। मैं जोर से चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है, भाभी और पत्नी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे ऐसा सुझाव कैसे दे सकते हो? प्रकाश बेटे, यह कहते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हारे भी अपने वैवाहिक जीवन के कुछ सपने होंगे। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन हमें शर्मिला के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और हमें यह देखना पड़ रहा है। अनजाने में हम ही इसके जिम्मेदार हैं। माँ फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। यही बोलने के लिए आप उनके यहाँ गए थे? क्या कहा उन्होंने? हमने बात की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें भी वक्त चाहिए, फोन करेंगे वो। तुम्हारा कहना क्या है, यह पूछने को कहा है? मेरे पांव तले जमीन खिसक रही थी, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं जरा घूम कर आता हूँ इस वक्त। हाँ, दूर बगीचे तक घूम कर आया, तब कहीं थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरे लौटने तक माँ बाबूजी चिंता कर रहे थे, खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उठकर बिस्तर पर लेटा, पर नींद आने का सवाल ही नहीं था। मेरी वैवाहिक जिंदगी शुरू होते ही खत्म होने वाली थी। भैया के पुराने कपड़े किताबें इस्तेमाल करने वाला मैं अब उनकी त्यागी पत्नी? नहीं, यह नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव को नकारना चाहिए। मैं बहुत बेचैन था, लेकिन आंखों के सामने आंसू निकलती माँ, शर्मिंदा बाबूजी, क्रोधित शर्मिला के पिता, उनको संभालने की कोशिश करती हुई शर्मिला की माँ, और जिंदगी के वीरान रेगिस्तान की बालू की तरह शुष्क शर्मिला दिखने लगी। इन सब की नजरें बड़ी आशा से मुझे देख रही थी। ऐसा लगने लगा फिर से एक बार मेरे नसीब में उतरन ही आई थी। इस कल्पना से दिल जख्मी हो रहा था। ऐसी स्थिति में मुझे बचपन की एक घटना याद आई। भैया की ड्राइंग अच्छी थी, वे बहुत अच्छे चित्र बनाते थे और पूरे होने के बाद दोस्तों को दिखाने जाते थे। सारा सामान वैसे ही रखते थे, घर साफ होना चाहिए, इस पर बाबूजी का ध्यान रहता था। फिर माँ मुझे मनाती थी, प्रकाश ये सामान जरा उठा कर रख दे बेटे, वो देखेंगे तो बिगड़ेंगे। मैंने लड्डू बनाए हैं, मैं लाती हूँ तेरे लिए। माँ भैया अपना सामान खुद क्यों नहीं रखते? लड्डू का लालच देकर आप मुझसे काम करवाती हो। भैया बिगाड़ेंगे और मैं सवारूंगा, यह अनलिखित नियम बनाया है क्या आपने? माँ का यह अनलिखित नियम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। जिंदगी के इस मोड़ पर उसके किए अक्षम्य अपराध को मुझे ही सही करना था। मुझे अब शर्मिला से शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरा बड़ा भाई है, इसलिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।